जेन यूरोप भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंसाह अल्लाह मार्का नेता कन्हैया कुमार कांग्रेस रे शामिल हो जाई छथि। कांग्रेस नेता राहुल गांधी निजे तांकू पार्टी रे शामिल कराई छथि। अवश्य कन्हैया कुमार को जेते बेले राहुल गांधी कांग्रेस रे शामिल कराउथले, ठीक सेते बेले पंजाब कांग्रेस रे पीसी सभापति नवजोत सिंह सिद्धू ओ ता परे परे किछि कांग्रेस मंत्री इस्तफा मध्य देउथिले। 4.5 लाख भोट्रे निर्वाचन रे पराजित होइतिबा व्यक्ति कांग्रेस को विजयी करिबारे सक्षम हेबे, एने राहुल गांधी खूब आशावादी। कन्हैया कुमार सबुबेले विवाद रे रहिथांती, विवाद रे रहिबा तांका पाई किछि नुआ कथा नुहे। कांग्रेस रे शामिल हेबा पूर्वरु तांका नारे आउ एक विवाद जोड़ी होइ जाइछि। तांका विषय रे जो खबर आसीथिला ताहा किंतु कोनोसी राजनैतिक वा वैप्लविक खबर नुहे। वास्तव में बिहार रा राजधानी पटना ठारे सीपीआई कार्यालय जो रूम रे कन्हैया कुमार बसी थिले, सही रूम रे पार्टी तांका पाई एक एसी लगाई देथिला। कांग्रेस रे शामिल हेबा पूर्वरु से एही एसी को खोली नै जाइछंती। सीपीआई रा बिहार राज्य संपादक राम नरेश पांडे एही सूचना दैछंती। राम नरेश पांडे कहिछंती जे कन्हैया कुमार को सुविधा पाई पार्टी कार्यालय रे तांको प्रकोष्ठ रे एक एसी लगा जाइथिला। किछि दिन पूर्वरु कन्हैया तांको अनुमति मागिथिले जे अन्य एक स्थान रे रहिबे, तेणु एसी नेबाकु चाहूछंती। एहा सुनि मु तांको कहिली एहा आपणंकर संपत्ति, ताकु आपण नै परंती। एहा परे से एसी खोली नै जाइछंती। कन्हैया कुमार जेएनयू रे पढ़िबा बेले बारंबार विवाद घर रे आसी छंती। तांको नेतृत्व रे भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह स्लोगान दिया जाउथला। आपण महापुरुष मानंकर बलिदान दिवस पालन करा जाउथबा देखिथिबे। कन्हैया कुमार मध्य एपरि करिथांती। भारतीय संसद उपर आक्रमण करिथिबा अफजल गुरुर फांसी दिन को से पालन करिथांती। काश्मीर आजादी रा नारा कन्हैया दे आसी, तुम कितने अफजल मारेगा हम घर घर से अफजल निकालेंगे रा नारा कन्हैया दे आसी। काश्मीर रे आतंकवादी मानन को ऊपर कन्हैया सहानुभूति रखंती, हेले काश्मीर रे सेनार जवान माने दुष्कर्म करिथांती बोली बारंबार कहिथांती। कन्हैया कांग्रेस रे शामिल हेबा परे तांकर ए संपर्कित वीडियो सोशल मीडिया रे वायरल हेबारे लागिछि। यह सिर्फ विपक्ष के लिए चिंता की बात नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई शास्त्र कोई किताब उठा करके देख लीजिए। जब विपक्ष कमजोर हो जाता है, सत्ता तानाशाही रुख अख्तियार कर लेती है। कि देश के लोकसभा में 545 सीट हैं, 200 लगभग सीट ऐसे हैं जहां भाजपा के सामने कांग्रेस के अलावे कोई विकल्प नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी जिम्मेवारी सिर्फ एक पार्टी के लिए है, लेकिन जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उस पार्टी को अगर नहीं बचाया गया, अगर बड़े जहाज को नहीं बचाया गया, छोटी छोटी कश्तियां भी नहीं बचेगी। और मैं जब यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे इतिहास को मेरे वर्तमान को लोग देख रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं, वो आएंगे, उनका जवाब मैं दूंगा। कन्हैया कुमार कांग्रेस रे शामिल हेबा परे एबे दिल्ली रो राजरास्ता रे संपर्कित पोस्टर लागिछि, जेउथरे कहा जाइछि जे भारत तेरे टुकड़े होंगे हेला कांग्रेस रो आधिकारिक नीति। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा यही पोस्टर लगाई। भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने वाले कन्हैया कुमार, जो ये नारे लगाते थे कि अफजल तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, जो ये कहते थे कि भारतीय सेना रेप करती है, आज श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी हाथ में माला लेके उसका स्वागत करने को कांग्रेस कार्यालय में तैयार खड़े हैं। कांग्रेस कार्यालय के बाहर उस कन्हैया कुमार जिसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस चल रहा है, उसके पोस्टर और होर्डिंग इस तरीके से लगाए जा रहे हैं जैसे दुनिया का एक वर्ल्ड लीडर शामिल होने जा रहा है। ये बताता है
कि कांग्रेस उस विचारधारा से सहमत है जो भारत को टुकड़े करने की मांग करती है। लेकिन मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूँ कि कभी भारत के टुकड़े तो नहीं होंगे, अगर टुकड़े होंगे तो उस कांग्रेस के होंगे जो भारत को टुकड़े करना चाहती है। डॉक्टर समन्वय नंदन का इनपुट सह ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।